ये चार पिन होगा। फोल्ड किया जाता है, सबसे पहला काम यही है। तो एक बार इस तरह का पिन जो है सेट कर लेंगे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे किस तरह से कॉपी बनता है। कॉपी बनाने का जो तरीका है वो सबसे पहले जो है देखिए कि पेपर को जो है फोल्ड किया जाता है, सबसे पहला काम यही है कॉपी बनाने का। जितना भी पेज का बनाना हो, जितना शीट का बनाना हो आप लोग को, तो आप लोग इस तरह से गिन करके और कॉपी को फोल्ड कर लीजिए। दोस्तों पेपर फोल्ड करने के बाद देखिए कवर को जो है कटिंग करके फोल्ड किया जा रहा है। दूसरा काम यही है कि कवर जो है कटिंग करें कॉपी के बराबर में, और अगर बराबर हो तो कटिंग करने ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बराबर ना हो अगर तो उसको कटिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है इस तरह से कवर जो है इसको फोल्ड किया जाता है, ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से आप लोग भी जो है कवर को जो है फोल्ड कर लेंगे ताकि कॉपी में भरने में आसान होगा, ये तो ऐसे जो है कॉपी में भराएगा नहीं कवर। अब देखिए दोस्तों ये तीसरा काम हो रहा है जो कि ये कवर भरने का काम है। पहला काम फोल्डिंग था, दूसरा काम था जो है पेपर कवर फोल्डिंग, तीसरा जो काम है ये कवर भरने का काम है। तो इस तरह से जो है कवर आप लोग भी भरेंगे। दोस्तों कवर भरने के बाद जो है ये चौथा काम जो हो रहा है, देखिए ये पिन मारने का काम, ठीक है। एक कॉपी में जो है ये चार पिन होगा, ठीक है, मतलब इसमें दो कॉपी है तो चार पिन हो गया, एक कॉपी में दो पिन। तो इस तरह से पिन करना है, यानी कि स्टिचिंग मशीन इस तरह से चलाना है। ये चौथा काम है, इसके बाद भी काम है वो आप लोग को दिखाएंगे, वो भी देखिएगा। और ये देख लीजिए किस तरह से ये कॉपी में पिन हो रहा है। देखिए इसमें जो है अकेला ही पिन होता है, अकेला ही आप जो है इसमें स्टिचिंग कर सकते हैं, इसमें दो आदमी का ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे एक ही आदमी जो है इसमें स्टिचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये कॉपी नीचे जो रखा जा रहा है ना, तो ये आप लोग ऐसे ना करेंगे, यहाँ पर इस तरह का जो है आप लोग टेबल वगैरह रख लेंगे, ठीक है। तब उसके बाद जो है यहाँ पर एक गड्डी रख करके फिर उसके बाद कॉपी यहाँ पर रखेंगे, मतलब टेबल लगा करके आप लोग जो है पिन मार सकते हैं। उसके बाद का जो काम है, लास्ट काम जो बचा है एक कटिंग करने का, उसके बाद फिर गड्डी बंधाएगा। तो ये सब टोटल चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए अभी कटिंग पे लेके जाया जा रहा है और कटिंग पे ये थाक लगेगा और ये कटिंग होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है आगे की तरफ का जो है इसका मुंह काटा जाता है, देख लीजिए। ये खुला गोभी है, ये थोड़ा सा ये खुला गोभी है, तो खुला गोभी को काटा जा रहा है। अब ये देखिए ये उसके बाद ये थाक लगाया जा रहा है अंदर में।
पूरा पूरा एक हाफ कॉपी कटिंग हो रहा है। तो कॉपी कटिंग में सबसे पहले जो है सामना कटेगा, तो सामने के तरफ के हिस्से को जो है सामना बोला जाता है। तो ये हो गया सामना। उसके बाद जो है कॉपी को आधे हाथ अलट पलट करके रख देंगे। तो ये सामना काटने के बाद जो है ये 20 से हाफ किया जा रहा है, और हाफ करने के लिए देखिए किस तरह से निशान लगाया जा रहा है। जो कॉपी कटिंग होता है ना उसी के कतरन से ही जो है, और यहाँ पे मोबिल लगा रहता है, मोबिल का उठा करके इसको जो दाग लगा दिया है। देखिए अब ये जो हिस्सा है ना यहीं पे ये ब्लेड गिरेगा, बिल्कुल बराबर ये हाफ होगा। तो एक बार इस तरह का पिन जो है सेट कर लेंगे कॉपी कटिंग करने का, उसके बाद जो है अपना कटिंग करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए ये कॉपी जो है बिल्कुल इसी तरह से जो है रेडी होता है सब कॉपी, ठीक है। तो ये कॉपी जो है मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और आप लोग भी कॉपी ऐसे ही बनाएं और मार्केट में सेल करें। बनाने का तरीका आप लोगों को बता दिए हैं। अगर कोई दिक्कत लगे, अगर ख़ुद से नहीं चाहते बनाने के लिए, तो आप लोग कारीगर रखें। कारीगर रखेंगे तो आप लोग जो है मार्केट पर ध्यान देंगे, सेलिंग पर ध्यान देंगे, कॉपी बनाने पर ध्यान मत दें। कॉपी बनाने का काम जो है ऐसे कारीगर का होता है। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह से कॉपी बनता है। देख लिए आप लोग पूरा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।